राहुल 2 साल सजा के खिलाफ कल सूरत कोर्ट जाएंगे। सांसद जाने के 11 दिन बाद उठाएंगे कानूनी कदम। अदालत ने 30 दिन का वक्त दिया था। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इस बयान से जुड़े मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। ठीक दूसरे दिन यानी 24 मार्च को राहुल की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। 11 दिन बाद राहुल फैसले के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका लगाने वाले हैं कि राहुल की लीगल टीम 3 मार्च सोमवार को कोर्ट जाएगी। 23 अप्रैल को कोर्ट ने राहुल की मौजूदगी में उन्हें 2 साल जेल की सजा और 15,000 जुर्माना लगाया था। कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी, साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। यानी इस दौरान राहुल की गिरफ्तारी नहीं होगी और वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका लगा सकते हैं। सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल की कैद की सजा सुनाई, हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।